हेलो नमस्ते बोनजोर मोइन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं और खुश हैं, और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग होने वाला है फिर से ओशन ब्लॉग, और आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम तो मैंने ओशन ब्लॉग बनाया था, तो मैं फिर से क्यों बना रही हूँ, इतना बोरिंग कंटेंट क्यों। बट एक्चुअली क्या है कि पिछले वाले मेरे ओशन वाले ब्लॉग में कुछ फीडबैक आए थे, कुछ कमेंट्स आए थे कि मुझे सामान, जो मैंने सामान दिखाया ओशन में, मुझे कुछ प्राइसेस भी दिखाने थे उसके, ताकि लोगों को समझ आ सके। तो ये एक्चुअली में सही बात है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं जब ओशन जा ही रही हूँ तो मैं कुछ चीज़ें जब खरीदूँगी तो उनका प्राइस, और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जो मुझे दिखेगी उनका प्राइस मैं भी आपको बता दूँगी, दिखा दूँगी। मेरे साथ आज ओशन ब्लॉग देखते हैं विथ द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर वेदर की बात की जाए, क्लाउडी है और अभी 6 degrees है, फील्स लाइक 3 degrees, तो वेदर बहुत अच्छा है। मैं सेम ट्राम से जाने वाली हूँ, वही गार सेंट्रल से। अभी मैं ट्राम में बैठ गई और एज यूजुअल 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँगी। रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी क्रिसमस की कैसे रास्ते में तैयारी हो रही है। अभी सजाया जा रहा है, होपफुली कुछ दिन में कम्प्लीटली बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ ओशन, और बाहर से आपको देख के पता चल ही गया होगा कि इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ है। मैं पास जाके दिखाती हूँ। तो ये है बाहर का डेकोरेशन, रेनडियर एंड लाइट्स, ये लाइट्स अभी जली नहीं है। बाकी अंदर का डेकोरेशन तो मैं दिखाऊंगी बाय डिफॉल्ट। ले लिया है मैंने अपना बैग, मैं ऑलरेडी ये लेके आई थी। अब चलिए देखते हैं चीज़ें और उनका रेट्स। ओके, ये कोक मुझे लेना तो नहीं है, बस दिखाने के पर्पस में है। ये 6 कोक ज़ीरो शुगर है 4.95 में ओशन में। बट आई गेस अगर आप कोई और शॉप जाओ, जैसे रिसेंटली मैं मोनोप्रिक्स गई थी तो वहाँ मुझे 6 कैंस मिले थे कोक के ज़ीरो शुगर वाले 3.20 में। तो बात यही है कि आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ आपको कुछ सस्ता मिल जाए। यहाँ थोड़ा सा महंगा है कोक, वैसे प्रॉब्ली यहाँ कोई और सामान होगा जो सस्ता होगा किसी और दुकान से, तो ये आपको जज करना पड़ेगा दुकान घूम घूम के कि यहाँ सस्ता क्या मिलेगा और दूसरी जगह क्या सस्ता मिलेगा। मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए क्लासिक केलॉग्स, जो लास्ट टाइम मैं आई थी तो भी नहीं दिखा था केलॉग्स का, और इस बार भी somehow मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट शोइंग यू द प्राइसेस, जिनको जानना था। ये फ्रूट्स फाइबर 1.99। आई थिंक मैं इस बार ये ओशन का ट्राई करूँगी, कॉर्नफ्लेक्स क्लासिक वाला, बिकॉज केलॉग्स का तो नहीं है क्लासिक, एंड लास्ट टाइम आई टुक वो ओरिजिनल वाला, दिस वन विच आई डिड नॉट लाइक। तो क्लासिक का केलॉग्स इज आई थिंक 1.79, आई मीन ओशन का। तो आई एम पिकिंग दिस अप फॉर माई सेल्फ। सिमिलरली आप देख लो दूसरे केलॉग्स है, जैसे केलॉग्स पॉप्स इज अराउंड 2.20, नेस्ले का है इट्स अराउंड 2.17। अभी मैं पूरे रोके प्राइसेस तो नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, साथ साथ आई थिंक मेरी बैटरी भी लो हो जाएगी। तो सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। तो आइसक्रीम ख़त्म हो गई है, हर बार मैं ये आइसक्रीम लेती हूँ, बट आई थिंक दिस टाइम मैं ये वाली ट्राई करूँगी। दोनों का रेट सेम है 2.55 यूरो। बाकी अलग अलग आइसक्रीम्स भी है जो 6.79, देन 7.61, इनफैक्ट 10 यूरो के ऊपर भी बहुत सारी आइसक्रीम्स है। एक्चुअली मुझे योगर्ट भी लेना था, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने कौन सा योगर्ट लिया था, तो इस बार मैं ये योगर्ट ले रही हूँ 2.96, मोस्टली 2.96 का एलक्स लेक का।
बड़ा। आप मुझे लेने हैं टमाटर, तो क्या टमाटर के अलग अलग प्राइसेज हैं? सबसे चीप ये हैं 0.99 में। मैं यूजुअली यही टमाटर लेके जाती हूँ, तो यहाँ सस्ते मिलते टमाटर ऐसे मैंने सुना है, बट अगर किसी को एक किलो 0.99 से सस्ते में मिल जाए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं वहाँ जाके ले लूँगी। तो ये हो गए मेरे टमाटर जो मैं अभी सामने जाके वेट कराऊँगी कितना है। मुझे ज़्यादा ही चाहिए थे तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिए है। लेट मी सी, डेढ़ किलो के आसपास। मर्सी। तो ये उन्होंने यहाँ स्टिकर लगा दिया है कितने किलो है, उस हिसाब से बिलिंग काउंटर में बिल कटेगा। देखिए यहाँ जैसे एक गोभी है 2.69 की, तो इसको आपको वहाँ जाके वे नहीं कराना है, जो किलो के हिसाब से है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था उसी हिसाब से आपको वे कराना होगा, तो इसको वे कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आलू की बारी। तो ये जो आलू है आई गेस के फ्रेंच फ्राइज वाले हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये आपको यहाँ 2.99 में मिल जाएंगे 2.5 kg के। लेकिन अगर आप से सपोज़ ये आलू लेते हो तो आपको पड़ेगा 2.50 का, अगेन ये 2.99 का। तो अलग अलग प्राइसेस डिवाइडेड है अलग अलग आलू के। एज यूजुअल मैं एक कॉफ़ी लूँगी और साथ में एक रैप लूँगी। ओके, आई गॉट माई रैप, ये वेजी रैप, ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी लगता है। इसका प्राइस है 2.24। आई थिंक दिस इज़ द चीपेस्ट रैप। तो मैंने ये फ्रोज़न बीन्स लिए हैं जो कि 1.25 का है। वैसे ही आपको अलग अलग सब्जियों के रेट्स यहाँ लाइन से दिख जाएंगे। तो ये वाली जो कॉफ़ी मैंने ली थी मैं उसको वापस रख रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी कॉफ़ी दिख गई, तो मैं बस एक बार ट्राई करना चाह रही थी कि डिफरेंस क्या है। ये हेज़लनट की है, सो देखना चाह रही थी कि ये कैसी लगेगी, इसलिए मैं ये दे रही हूँ। मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, अभी जाके बस मैं बिलिंग काउंटर में जाके बिल कराऊंगी। इस बार ऑटोमेटिक बिल, मतलब मैं खुद से बिल नहीं करा रही, क्योंकि मैंने गोभी ली थी एंड आई गेस उस पर स्टिकर नहीं लगा है, तो इसलिए मैं बिलिंग काउंटर से बिल कराऊंगी डायरेक्टली। सारे सामान का 18 यूरो। एक्चुअली मेरा सामान बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, तो एनर्जी के लिए कुछ खाऊंगी, मेरा कॉफ़ी एंड रैप एंड देन आई विल लीव। सो आई एम डन विथ माई रैप एंड कॉफ़ी, और अभी मैं आपको आगे का डेकोरेशन दिखाती हूँ आश्रम में। ये है स्टेयरकेस का डेकोरेशन, और यहाँ से ही मुझे दिख रहा है कि एस्केलेटर के ऊपर दे हैव डेकोरेटेड वेरी वेल, तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। एंड आई हैव अ कंप्लीट फीलिंग आज का जो मैंने वो प्राइस वाला बनाया व्लॉग वो बहुत ही घटिया है, क्योंकि मैं बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रही थी। मैं बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रही थी, कोई ना कोई आ जा रहा था है ना, फिर उनको भी सामान देना होता है, मैं जहाँ ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ तो लोगों को, तो मैं थोड़ा आज इधर उधर हो जा रही थी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू अपलोड, क्या पता किसी को हेल्प हो जाए, एक दो सामान के ही प्राइस टैग दे।
अभी फ़िलहाल है घर जाने का टाइम. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम एंड वॉचिंग दिस व्लॉग. और तो ये व्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, बट थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.